निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी बुद्धि न तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूछ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरि नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज संवारे लाल सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिव लाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम रोज जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कभी को विद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाय राज पद दिन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्री का मेलि मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई
हनुमत से सर्व सुख करई, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मा डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हरि ओम। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो ृत्वाद्यातिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदम् सर्वम् यदभूतम् यच्च भव्यम् उतामृतत्व शेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायां च पुरुष पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपाद्भूत्वा उदेत् पुरुष पादोस्येह भवत् पुनः ततो विश्वं यक्रामत्साशनानशने अपि तस्माद्विराजायत विराजोऽधि पुरुष स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्याशिराज्यं ग्रीष्मा इर्मशरद्दवि तं यज्ञं वर्हिषि प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रत तेन देवा आयजन्त साध्यारुषयश्च ये तस्माद्यज्ञा सर्वभूत संमृतं पृषराज्यं पशूनां चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतसामानि जग्निरे सन्दासि जग्निरे तस्माद्दजायत तस्माद्दशवाजायत एकेशो भयादत गावो अजग्निरे तस्मात् तस्माद्जाता अजावय यत्पुरुषं यदातु पतिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहु बाहुरुपादाहुस्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासि बाहुराजन्य कृतः पुरुतदस्य यदवेश पदव्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रं चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शिष्णो ज्योत्समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिश श्रोता तथा लोका अकल्पयन् स
सप्तास्यासन् परिदय स्त्री सप्त समित कृता देवा यद्यज्ञम् तन्वान अवदनन् पुरुषम् पशुम् यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि कर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकम् महिमानसचन्द यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरि ओम्। Yeah।
श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम राम जय जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम राम जय राम Thank you.
निज मन मुकुर सुधा वरण रघुवर अभिमान जस जो गायत कले Amen.
रघुनाथ गोसाई रघुनाथ गोसाई रघुनाथ बे Oh, okay.
सो राम बाप नौ दिवसीय राम कथा के इस विराम के दिन फिर एक बार तुलसी तीर्थ राजापुर की पावन धरा को प्रणाम। कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी तुलसीदास जी की मानसी चेतना को प्रणाम। कथा में उपस्थित सभी पूज्य संत विद्वतगण विद्वित क्षेत्र के आदरणीय महानुभाव आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन और पूरी दुनिया में सुनी जा रही इस राम कथा के सभी श्रोता भाई बहन और पूरे संसार को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। सबसे पहले इस तुलसी तीर्थ में आप सभी को और पूरे अमित ब्रह्मांडों को राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। आज ठाकुर का प्रागट्य दिन
मैं आप सबको इस भूमि से बधाई देते हुए भय जे अह ही जे हो ये ही आ गए। भगवान के गुणगान गाने वाले जो हो गए, जो हैं, जो गाते रहेंगे, आते रहेंगे, इन सबको व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। विश्व भर के परिवार के आंगन में या कमरे में पलने में झूले हुए सभी रामों को मेरा प्रणाम, क्योंकि मेरा राम सीमित नहीं है। ये अयोध्या में जन्मा है, लेकिन वो कोई अवधि में आबद्ध नहीं है। ये असीम है, अनंत है। वो दशरथ अजीर विहारी को व्यासपीठ से बार बार प्रणाम करते हुए पुनः पुनः आपको इस पावन अवसर की बधाई देते हुए नवमे दिवन की कथा को मैं विराम की ओर लिए चलता हूं। जल्दी जल्दी कल मैंने आपके सामने बात ऐसे ही कुछ वाक्यों में कह दी। श्री हनुमान जी जामवंत के आह्वान पर लंका में जाने की तैयारी करते हैं और सुंदरकांड का पहले में कथा का कल की तरह तो थोड़ा दर्शन एक क्रम संभाल लूं, फिर मानस गोसाई का उपसंहार करूंगा। दो पांच पंक्तियां सुंदरकांड की गाली जाए। जामवंत के भजन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, लग मोहि पर तुम भाई सही दुख कंद मूल पर खाए। बार बार रघुवीर संभारी करते पवन तनय बलवारी, प्रभु सिनगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशल पुराना। गए दशानन मंदिर कही जात सुनाई, भवन एक पुनी दिख सुहावा हरि मंदिर तंग दीन बना। जुगति विभीषण सकल चले पवन सुत विदा करा, राम दूत मैं मानु जान की सत्य शपथ करुण की। अजर अमर गुण निधि सुत हो कृत कृत्य वरेऊं मैं माता आशीष कव अमोघ। श्री हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं, सभी मंदिरों में तलाशी की। रावण के मंदिर में भी गए, लेकिन कहीं वैदेही न दिखी। भगवान शंकराचार्य जी ने सीता जी की एक व्याख्या की है,
सीता शांति अनिता, सीता मानी शांति। हनुमान जी हरेक मंदिर में शांति खोजने गए, लेकिन मंदिर में भी शांति न मिली। भक्ति खोजने गए तो भक्ति न दिखी, भोग दिखे। एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है इन पंक्तियों से विश्व में। और एक भवन देखा जहां मंदिर बिलक था, राम नाम अंकित गृह था, तुलसी के पौधे लगे हुए थे। श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि एक कोई वैष्णव का घर है। श्री हनुमान जी विभीषण के भवन में आंगन में जाते हैं, और आप जानते हैं कथा की, विभीषण और हनुमान जी दोनों मिलते हैं। एक अर्थ में एक बहुत बड़ा सेतु बंध होता है, एक अर्थ में कहो तो दो वैष्णव मिले, क्योंकि हनुमान जी भी राम भक्त हैं, विभीषण भी राम भक्त है। हनुमान जी राम के आश्रित हैं, लंका के आराध्य भी नृसिंह माने जाते हैं, वो भी राम का ही रूप है, नरहरि रूप है। तो वैष्णव वैष्णव मिले, अथवा तो सेतु शब्द ज्यादा सार्थक तभी होगा कि एक शैव एक वैष्णव से मिल रहा है। हनुमान जी शंकरावतार है, साक्षात शिव के 11वें रुद्र का ये अवतार है। तो आज वैष्णव और शैव मिल रहे, ये बड़ा सेतु बंध है। हमारे यहाँ मैंने तो पहली बार ब्रह्मलीन डोंगरे बापा की कथा में सुना था कि ये जो पंक्तियाँ, फिर तो कई महात्माओं से, कथाकारों से, कि चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले नाचे 7 करोड़। हनुमान जी और विभीषण दो भक्तों की चार मिले, चार आंखें मिली तो 64 खिले, 32 दांत उसके, 32 दांत उसके, दंत पंक्तियां मुस्कुराने लगी, 64 खिले, 20 रहे कर जोर, 10 उंगली उनकी दो हाथ, 10 उनकी 20, मानो एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। संतों ने कहा हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। जब दो प्रेमी मिलते हैं तो 3.5 करोड़ रोंगटे उनके, 3.5 करोड़ रोवे उनके, 7 करोड़ रोवे नाचने लगे। ऐसा एक सुंदर मिलन हुआ। हनुमान जी मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं भक्ति तक पहुंचने का, कि मुझे माँ कहाँ है बताओ। वैष्णव धर्म के जितने आचार्य हुए हैं संसार में, सबके अपने अपने दर्शन हैं, लेकिन एक अर्थ में प्रवाही परंपरा में हम भी वैष्णव ठहरे, निम्बार्की वैष्णव, द्वैताद्वैत सिद्धांत की परंपरा रही है। लेकिन प्रवाह को मैं मानता हूँ, जड़ परंपरा को मैं नहीं उसके पक्ष में हूँ, प्रवाही परंपरा होनी चाहिए, गंगा बहती होनी चाहिए, जमुना बहती रहनी चाहिए, प्रवाही। और दुनिया में सब वैष्णव है, कौन, सब शैव है, सब शाक्त है। जिसकी भुजा में शक्ति है शाक्त है, जिसकी आंखों में दूसरे के प्रति करुणा है शैव है, और जिसके रोम रोम में, जिसकी जबान में हरि नाम है वैष्णव है। यहां सब वही तो है, कौन कौन भिन्न है। गंधर्व राज पुष्प दंत को याद करना पड़ता है कि रुचि भेद के कारण सब भिन्नता है, बाकी सब एक है। रुचि नाम वैचित्रजु कुटिल नाना पद जुषा नृणामे को गम्यस्तमसि परसामर्णवति भव। तो ये रुचि भेद के कारण कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक,
बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में ते, फिर भी विश्व में जो है वो सब वैष्णव है, विशालता में जो जीता है वो सब वैष्णव, संकीर्णता में नहीं, अभेदी जीवन जिसका मंत्र है वो सब वैष्णव है। और हनुमान विभीषण सभी हम सब वैष्णव है, सभी शैव है, सभी शाक्त है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन युवान भाई बहनों को खास कहूं कि वैश्विक मानुष, जिसको मैं बार बार कहता हूं, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान को विश्व मानुष कहा है, प्रभु माने विश्व मानुष, भाषा प्रांत वर्ण संप्रदाय जाति वर्ग इन भेदों से जो बटा नहीं, ऐसा विश्व मानुष है प्रभु, विश्व रूप है, विश्वेश्वर विश्व मूर्ते। मैंने एक दिन भागवत जी को कोट किए हुए कहा, भगवान है विश्वेश्वर विश्व मूर्ते विश्व मानुष। विनोबा जी ने उस पर बड़ा प्यारा भाष्य किया, ईश्वर महामानुष। तो खास करके युवान भाई बहनों, ये हनुमान जी और विभीषण की भेंट है, तब वैष्णव वैष्णवी विशालता में एक पंचक है, और सभी आचार्यों ने उसको अपने अपने ढंग से अपने दर्शन के अनुसार पेश किया है। मैं सभी दर्शन का सार पेश करूं। मेरे भाई बहन, इस मुलाकात से यह संदेश प्रकट होता है, उसको कहते हैं अर्थ पंचक। पांच, कौन विश्व मानव, कौन है विश्व मानव का पुत्र जो पूरी वसुधा को पूरे विश्व को अपना समझे और अपने को पूरे विश्व का समझे। आखिर तो हमें इन सभी सीमाओं से पार जाना होगा। कब तक भेद चलेगा, वर्ग भेद वर्ण भेद प्रांत भेद जाति भेद भाषा भेद राष्ट्र भेद ग्रह भेद, हमें तो बहुत विशालता में प्रवेश करना होगा। समय लगेगा लेकिन ये होके रहेगा, क्योंकि ये अस्तित्व का इस उस तरफ रुख है, अस्तित्व की ये चाह है। तो अर्थ पंचक को याद रखें। अर्थ पंचक कहते हैं स्वस्वरूप, एक एक वस्तु जाननी होगी युवानों को, स्वस्वरूप। दूसरा परस्वरूप, तीसरा उपाय स्वरूप, चौथा फल स्वरूप, पांचवा बाधक स्वरूप। हम तभी रामायण को आत्मसात कर सकेंगे। पारायण तो कर रहे हैं, परायण होना है। पारायण तो महिमा, मेरे दिल में कोई पारायण करे उसकी महिमा मैं नहीं बता सकता सा। कोई मानस की चौपाई गाए तो मुझे लगता है कि मैं उसको क्या दूं। मैं कल एक जगह रोटी लेने गया, युवान भाई मैं बहुत खुश हूं बेटे आप सबकी, मैं कल जा रहा था तो मेरे पीछे इतने युवान मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। मैंने सोचा कि ये सब इतने कभी 50 कितने होंगे, सब आएंगे तो जिसके घर जाऊंगा वो घबरा जाएंगे और उसको जो दृष्टि है। तो मैंने गाड़ी रुकवा कर केवल इतना ही कहा कि मैं आपका भाव समझता हूं, आप सब आएंगे तो ऐसा। इसी क्षण सभी युवक लौट गए एक ही क्षण में। ऐसा मैंने ये वस्तु राजापुर में देखी, वरना लोग भाववश में भी कहते हैं कि बापू ठीक है, फिर भी लौट। हर युवक लौट गया। इसलिए मुझे ज्यादा कहने की इच्छा होती है कि मैं एक आदर्श विश्व को कह सकूं कि जाओ देखो राजापुर। मैं कह सकूं कि आप जाकर देखो। और साहब व्यासपीठ को और क्या करना है, ऐसे मिलो। आज मेरे पास पत्रकार बंधुओं ने अपना भाव प्रकट किया है कि बापू हम सब धन्यवाद व्यक्त करते हैं, लेकिन कभी आपने कहा था शायद मैंने पहली दूसरी कि राजापुर की परिक्रमा का एक मार्ग हो,
परिक्रमा निश्चित हो, ऐसा एक निवेदन रहा था, तो उसके बारे में कुछ आप कह के जाइए। मैं तो सोचता हूँ राजापुर में 5 वस्तु हो, एक धर्मशाला होगी, लेकिन कोई एक अच्छा रैन बसेरा हो जहाँ सब वर्ण वर्ग भेद से मुक्त होकर तुलसी तीर्थ में आए तब रह सके। धर्मशाला के पहले ये पंचक सुन लो, फिर वो अर्थ पंचक। धर्मशाला हो, नहीं है ऐसी नहीं, आपने हर घर को धर्मशाला बना दिया है इन दिनों में। किसी के घर 5, 10, 15 मेहमान ठहरे, मैं जिसके घर रोटी लेने जाऊं वहां मुझे तो उन घर वालों को मिलना हो तो दिखते हैं सबसे पहले हमारे। मैं कहता हूं तुम तो रोज मिलते हो, इन लोगों को मिलने दो। तो राजापुर हर देश के हर गांव में ये होना चाहिए, भगवान करे हो। और मैं किसी से मांगता नहीं, लेकिन आदर के साथ हृदय की बात व्यासपीठ से राजपीठ को भी कह सकता हूं कि एक युवानी आई है उत्तर प्रदेश पर, तो ये युवानी ऐसा सोचे। एक युवान यहां का मुखिया बना है, मैं स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश का सीएम साहब। ये हर गांव हर कस्बा हर एक के लिए ऐसा सोचा जाए, धर्मशाला हो। और ध्यान रखना जहां वर्ण भेद वर्ग भेद प्रांत भेद ज्ञाति भेद विभेद भाव से वहां सबको रैन बसेरा मिले, जरूरत हो तो, न जरूरत हो तो कोई चिंता नहीं, पर्याप्त तो हो तो कोई, लेकिन जरूरत हो तो धर्मशाला। दूसरी युवानों एक व्यायामशाला हो जहां मेरा देश का युवक अपने शरीर का बल अपनी मस्तिष्क की बुद्धि और अपनी हृदय की विद्या को विकसित कर सके विश्व के। एक धर्मशाला, एक व्यायामशाला, तीसरी वस्तु एक पाठशाला हो। ऐसे स्कूल कॉलेज तो है ही होना चाहिए, लेकिन संस्कृत बचे राजापुर में, पाठशाला हो, संस्कृत की पढ़ाई हो इस रूप में एक पाठशाला हो। चौथा एक गौशाला हो जहां गायों का जतन होता, गौशाला हो। तो धर्मशाला, व्यायामशाला, पाठशाला, गौशाला और एक भोजनशाला हो। कोई भी व्यक्ति वहां आदर के साथ रोटी पा सके। अभी तो छोटे रूप में चलता है, वहां 50-60 लोग आकर के भोजन ले जाते आदर। एक भोजनशाला हो जहां कोई अतिथि या तो कोई जरूरतमंद आदर के साथ भोजन प्राप्त करे। आरोग्य तो ये हॉस्पिटल अच्छी बनी जा रही है जहां आप सब ठहरे हैं बहुत, तो वहां की व्यवस्था सुनिश्चित हो शासन की ओर से, अच्छे डॉक्टर्स वहां आए गांव में और सबको इलाज उपलब्ध हो, ये भी मैं प्रार्थना करूं कि इसके बारे में भी। तो ये 5 शाला हो, लेकिन साथ साथ ये परिक्रमा मार्ग की जो बात है वो भी हो, जितना प्रैक्टिकल हो व्यवहारू हो इतना ये भी हो, तो लोग आए जैसे कामदगिरी की परिक्रमा लोग करते हैं वैसे इस यहाँ की भी परिक्रमा हो। तो मैं तो मेरी ओर से व्यासपीठ से एक आदर के साथ संदेश भेज रहा हूँ। यदि वहाँ पहुँचे, मुझे जिगर मुरादाबादी का शेर याद आता है कि उनका क्या फर्ज है वो अहले सियासत जाने, किसका क्या कर्तव्य है वो सियासत जाने, उसका क्या फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम तो इतना है, मेरा फर्ज मोहब्बत है जहां तक पहुंचे।
मेरा ये प्रेम भरा संदेश। और उस दिन मनोज भैया ने भी कहा कि मेरे मित्र हैं सीएम साहब, मैं उसको कहूँगा कि वो, और मुझे अब मनोज जब मिलेगा तब मैं कहूँगा कि ये दो तीन बात और भी कह देना वहाँ कि यदि ऐसा हो सके तो करो। आप क्षेत्र के वडील बुजुर्ग सब यहाँ बैठे हैं, वो भी ये संदेश पहुँचाए। तो हर एक गाँव में ऐसा यदि हो। नानाजी का मिशन जो था चित्रकूट में, नानाजी देशमुख जिसको लोग राष्ट्र ऋषि कहते हैं, वो भी अपने अपने ढंग से सब जगह कर रहे। हर हर जगह ऐसा हो। तो राजापुर के प्रति तो वैसे मैं साधु के नाते ये शब्द उपयोग करूं कि न करूं, लेकिन कोई बात नहीं, करूं। राजापुर के प्रति मेरा पक्षपात है, मुझे यहाँ सब कितना प्यार उमड़ रहा। मैं मुझे लगता है कि मैं इन इन राजापुर वासियों के प्रेम का उत्तर कैसे दूँ। जब भी निकलो लोग द्वार पर खड़े हैं, रात की देर हो समय द्वार पर खड़े हैं, मानो एक बार फिर जय सियाराम कह दिया जाए, एक बार फिर जय सियाराम कह। धन्य है राजापुरी इस अदब, इस प्यार। पर ये यहाँ न हो तो कहाँ, यहाँ न हो तो तुलसी की आत्मा थोड़ी वो हो सकती है। तो आप ये कर रहे तो जरूर मेरी मर्यादा में, मेरा और क्षेत्रों से नाता नहीं, मैं केवल व्यासपीठ का आदमी हूँ, फिर भी मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं जरूर जब भी मनोज भैया मिलेगा फिर तो मैं या तो फोन करके कहूँगा कि आपने कहा था कि मेरे मित्र है सीएम साहब, तो जब मिले तो मेरा भी उसको आदर उसके साथ शुभकामना देना, और साथ साथ ये भी कहना कि राजापुर में ये जो 84 गांव का परगना है, 84 गांव है राजापुर की जो जो उसमें, ऐसा मुझे बताया गया। तो भगवान करे धीरे धीरे हो। तो ये पांच शाला, धर्मशाला, व्यायामशाला, पाठशाला, गौशाला और भोजनशाला, ये हर एक जगह हो तो एक गांव कितना प्यारा लगेगा, कितनी सुंदरता बढ़ेगी। राजापुर को निमित्त बनाकर मैं पूरे राष्ट्र के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। ये दो तीन बार पहले भी कहीं किसी संदर्भ में मैं बोला भी हूँ। तो ये जो जो पंचक की बात है, ये युवान भाइयों को खास कहूं, वैष्णवी पंचक जिसको अर्थ पंचक कहते हैं, स्वस्वरूप एक, दूसरा पर स्वरूप, तीसरा उपाय स्वरूप, चौथा फल स्वरूप, पांचवा बाधक स्वरूप। वैश्विक मानस, वैश्विक इंसान कैसा होना चाहिए, जो अपने स्वस्वरूप को पहचाने, मैं क्या हूं, अपने को पहचाने, इस स्वस्वरूप बोध है। मैं जीव हूं, मैं आखिर इस संसार में आया हुआ, गीता के शब्दों में कहूं तो जंतव कौन गिनती है, फिर भी मैं उनका अंश हूं, मैं जीव हूं। ईश्व स्वरूप बोध विश्व मानुष का लक्षण माना जाए। और पर स्वरूप, आज ज्यादा समय नहीं है प्लीज, मैं जल्दी कहूं कि पर स्वरूप, पर स्वरूप पर माने परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप क्या है वो जो जानने की कोशिश करे, ये वैष्णवी विचार है। तीसरा उपाय स्वरूप, उस परमात्मा को और मैं जीव, हम ये दोनों स्वरूप को जानने के लिए हमारे गुरुजनों ने उपाय क्या बताए हैं, उस उपाय का स्वरूप जाने वो युवक। और चौथा फल स्वरूप, इन उपायों से मैं स्व को और परमात्मा को जान लूंगा, उनका स्वरूप क्या होगा, उनका परिणाम कैसा होगा, नतीजा कैसा होगा, ये चौथा। और पांचवा अर्थपंचक का पांचवा विभाग, मैं को जानूं
परमात्मा को जानूं, उपाय समझूं, फल प्राप्त करूं, लेकिन एक करने में बाधक तत्व कौन है उसका स्वरूप भी मैं जान लूं कि इनमें विरोधी स्वरूप कौन कौन है। अब मेरे पास इतना अब समय भी कहां, वरना मैं विभीषण के चरित्र को लेकर भी आपको अर्थ पंचक बता सकता हूं मेरे आनंद के लिए। हनुमान जी का तो कोई सवाल नहीं, हनुमंत तो हनुमंत है, पांचों पंचक उनमें दिखते हैं। रामचरितमानस में कई चरित्रों में ये पंचक आपको नजर आएगा और आप कल पूछ रहे थे ना बहनों कि बहनों में कोई गोसाई हो सकती है, अवश्य, भले नाम न जुड़ा हो लेकिन रामचरितमानस में एक मां को मैं गोसाई कहूंगा, उसका नाम है सुमित्रा, ये गोसाई है। मैंने तो शब्द यूज किया गोमाई, इसमें पूरा विचार आ गया। अपनी संतान को जो ये पंचक समझा दे, वो मां हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, गोसाई है। तुलसी ने हमें रामचरितमानस के द्वारा ये अर्थ पंचक समझाया है कि तू विश्व मानव बन तो सुमित्रा में। हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ मेरे आनंद के लिए मैं बोल सकता हूं लेकिन इतना अवकाश। लेकिन आपका जो प्रश्न था कल का कि कोई मातृ शरीर को न हो जाएंगे कि हम नहीं बन सकते गोसाई, नहीं, आप भी हैं। अब देखो अयोध्या कांड में लक्ष्मण जी जब मां सुमित्रा से विदा लेने जाती है तो मां पांचों पंचक उसको समझा देती है। पहले कहा लक्ष्मण स्वस्वरूप का बोध कर ले, कौन है तुम, तू तुझे पहचान ले, तू ये मत सोचना कि मैं तेरी मां हूं और दशरथ जी तेरे पिता है, तू तुझको पहुंच, कौन है अर्थ पंचक का पहला टुकड़ा रामचरितमानस से। तात तुम्हारी मात बनेगी पिता राम सब भारी, तू सीताराम का बेटा है, ये स्वस्वरूप बोलती है। परस्वरूप परमात्मा राम, राम तत्व का उसने स्वरूप बता दिया। राम स्वार्थ रहित सखा सब ही के, राम तत्व समझा दिया, ये परमात्मा से, ये जो राम है वो प्राण के प्राण है और स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ मुक्त सबका सखा है, ये परस्वरूप बता दिया। लक्ष्मण ने पूछा नहीं कि जानने का उपाय, तो भूरी भाग भाजन भयू मोहि समेत बलि जाम, जो तुम्हारे मन छांडी छल किन राम पद, ये उपाय है, मैं बलि जाऊं वारी जाऊं बेटे, कि तेरा मन छल कपट मुक्त होकर राम के चरण में लग जाए, तो यही एकमात्र उपाय है स्वस्वरूप और परस्वरूप जानने। बुरी भाग भाजन, देखिए मां बोल रही है, एक सदगुरु बोल रही है, एक गोसाई सुमित्रा बोल रही है, बुरी भाग भाजन भय तेरे समान भाग्य भाजन में बलि जाओ, लेकिन शर्त उपाय बताए, जो तुम्हारे मन छांडी छल, ये उपाय है, छल कपट छोड़कर हरि का हो जाना, ये उपाय। फल राम सीय पद सहज स्नेह, समस्त सुकृत का फल सुमित्रा कहती है एक ही है कि सीता राम के चरण में सहज स्नेह, ये फल है अर्थ पंचक का। और बाधक राग रोष ईरी काम जन सपने बस हो राग रो
ईर्ष्या मधुमेह जनि स्वबोध, कर्म का बोध, उपाय का बोध, फल का बोध, लेकिन इनमें बाधा क्या है? राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह। ए बेटे, सपने में भी तेरे में ये न आए, यही बाधक तत्व है मेरे युवान भाई बहन। यही बाधक तत्व से बचे। सबसे अनुराग करो, किसी से द्वेष न, राग रोष अकार रोष, ठीक है हम जीव हैं, रोष हो जाए, रोष न करो, ईर्ष्या न करो। मिली क्षमता का मद न करो, राग रोष ईर्ष्या मद जनी सपने मैं भूषण को देखो तो मुझे अर्थपंचक दिखता है, मैं हनुमान को देखो तो मेरे अर्थपंचक दिखता है, शंकर को देखो तो फिर मैं क्या कहूं, शिव तो शिव है। ये कितने वैश्विक विचार है। रामचरितमानस क्यों आज मैं पहले से बोलता है कि विश्व को अब और जरूरत पड़ेगी शायद, मुझे तो लगता है कि नहीं पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी तो कोई एक ग्रंथ आएगा फिर, बाकी आखिरी ग्रंथ तो अभी रामचरितमानस है। जरूरत नहीं साहब दूजे की, अद्वितीय शास्त्र, अद्वितीय। ये मैं गाता हूं तुलसी की चौपाई, इसलिए अर्थवाद शास्त्र की भाषा में नहीं कर रहा हूं, अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, ये अनुभूति अलंकार है, अतिशयोक्ति नहीं, ये अतिशय अनुभूतियों का मिला जुला अलंकार है, एक एक नया अलंकार। मानस तो मैं एक दादाजी के घर कल चाय पीने गया तो मेरे मन में आया कि ये दादा एकाध चौपाई सुनाए तो कितना अच्छा, तो तुरंत उसी समय वो कहे मैं क्या बोलूं, वो भी हक्के बक्के से रह गए। उसने कहा को रघुवीर सरिस संसारा सील स्नेह निभावन हारा। मैंने कहा वाह राजापुर, धन्य हो धन्य। मुझे तो कल शाम को ही राम जन्म की बधाइयां ऐसे मिल रही थी, कोई चौपाई से, कोई भाव से, कोई व्यासपीठ की आज्ञा पालन से। राजापुर के प्रति मेरा पक्षपात, कई लोग मुझे पूछ भी रहे थे, चिट्ठी लिख रहे थे, एक किसका फोन आया कि बाबू आप राजापुर में बहुत कुछ आनंद में लगते हो। मैं तो आनंद में ही हूं, लेकिन यहां और हूं क्योंकि राजापुर है, और मैं इस दिल की बोली बोल रहा हूं, तब आपका भी दायित्व बढ़ता जा रहा है, ये भी भूलिएगा मत, आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ती जा रही है, आपका कर्तव्य। और मुझे पता है कि पहली कथा हुई तब से जो वडील बुजुर्ग उसमें जुड़े थे, उसी समय जो जो लोग जुड़े थे, फिर दूसरी कथा में वही लोग, तीसरी कथा में वही लोग, और उसके साथ नई नई चेतनाएं जुड़ती गई। इस कथा में तो कितने लोग जुड़ गए, मानो कथा ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल हो गई। जो लिंकन का एक सूत्र था कि लोगों के द्वारा कथा, लोगों के लिए कथा, लोगों की कथा, राम कथा ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये सूत्र चरितार्थ हुआ। अब देखो कथा में निमित्त, जो कथा बिना पैसे तो होती नहीं, पैसे तो चाहिए, कैसे भी अर्थ तो चाहिए। तो तीसरी बार अफ्रीका के नैरोबी वाले परिवार के कुछ ग्रुप इसमें निमित्त बन गए, चार पांच परिवार निमित्त बने, इनमें से कोई आया नहीं, एक परिवार प्रतिनिधि के रूप में आया है, बाकी कोई आया नहीं, जिन्होंने ए टू जेड इस कथा का खर्चा देने का शिव संकल्प किया, पांच छह परिवार में, चार पांच परिवार, इनमें से एक परिवार प्रतिनिधि के रूप में, बाकी वो तो आए भी नहीं, मैं उनको याद करके सबको दुआ दे रहा हूं।
कहीं भी गलत फहमी ना रहे, क्योंकि ये कथा का पूर्णतः खर्चा एनआरआई भोग रहे हैं, चार पांच पद ए टू जेड। कोई यश खींचने की कोशिश न करे, पूरी कथा का आयोजन। और इनमें तो तीन चार परिवार आए ही नहीं। फिर इस पूरी कथा का आयोजन जो पहले से, जो मैं किसी का नाम नहीं लूं, क्योंकि नाम लूंगा तो मैं देखता हूं तो सबको पहचान लेता हूं कि ये मेरे राजापुर के हैं। लेकिन नाम किन किन का लूं, जितने बुजुर्ग पहले थे दूसरी कथा में थे, फिर युवान लोग आते रहे जो थे, आज तीसरी कथा में और लोग आ गए, ये सभी लोगों ने मिलकर यह आयोजन बनाया है। अफ्रीका वाले कहां आकर के कर सकते थे? पैसा देना तो बहुत आसान है साहब, आकर अपने आप को अंदर उतारना ये बहुत कठिन है। ये सभी अबाल वृद्ध राजापुर और यहां के लोगों ने, इधर उधर के भाई, और किसी को मुझे ये एक बनाने के लिए काम तो सौंपना था, तो फिर मैंने बनारस वालों को कह दिया कि तुम कुछ युवक लोग जाओ, मीटिंग करो और तुम सबके साथ रहकर, इन सब बड़ी लोगों को मार्गदर्शन लेकर सबके साथ रहकर, तो इस तरह इस पूरा प्रेम यज्ञ हो रहा है और आज संपन्न होने जा रहा। मेरे दिल में सब क्या क्या चौथी कथा के लिए, बैठिए 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 बैठिए, कथा अभी पूरी नहीं हुई है, बैठ जाइए। साहब मैंने पहले भी कहा कि ये सब योग होता है, जब फिर योग मुझे पता नहीं साहब, खबर नहीं, अब मैं बहुत नाचो गोपाल पता नहीं, हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने ये हवा जाने किधर ले जाए साहब। लेकिन आप राजी रहिएगा कि मेरा पक्षपात राजापुर के साथ रहा। आपकी मांग है, पत्रकार भाई लोग भी पूछ रहे थे, सब जन जन बच्चा बच्चा, मुझे खबर नहीं कब, बाकी इधर उधर चित्रकूट आया ऐसे ही, तो फिर यहाँ आए बिना थोड़ा रहूंगा, घंटे के लिए आ जाऊंगा, दो घंटे आ जाऊंगा जब भी मौका मिले। कथा का तो योग लगन ग्रहवार तिथि कब कैसे हो, लेकिन आपकी बातें मेरे दिल में है। तो विभीषण और हनुमंत मिले, हनुमान जी को विभीषण ने मार्गदर्शन दिया, वो माँ जानकी तक पहुंच जाते हैं, बीच में रावण वाली बात आ जाती है और आखिर में जानकी आशीर्वाद दे देती है हनुमान जी को। तो सब जगह मुझे अर्थ पंचक दिखता है। फिर आप जानते हैं पुरदही नांगे उ बहुरी पयोधि, हनुमान जी ने वो जो लंका में लीला की और फिर वो समंदर नांग करके चुड़ामणि लेकर लौट आए, सब प्रभु के पास पहुंचे और नवल इतिहास रचा दिया हनुमान के द्वारा, युवकों के द्वारा इतिहास बदलता रहता है। तो श्री हनुमान जी ने इतिहास बदल डाला और जामवंत ने हनुमंत चरित्र राघवेंद्र को सुनाया, फिर निर्णय किया कि विलंब न करें, अब हम अभियान करें, और फिर सब समंदर के तट पर पहुंचते हैं। और यहां रावण की सभा में खबर मिलती है कि तपस्वी की सेना आ चुकी है सागर तट पर, मंत्रिमंडल की बैठक होती है और उसी समय विभीषण आते हैं, और जब विभीषण ने कुछ समझदारी की बात कही तो रावण कुपित हो गया और उसका परित्याग किया कि तू निकल जा। वहां रावण को गोसाई कहा गया, तो पर नारी लीलार गोसाई, चौ चौथी चंदा की नाई। चौथ का चंद्रमा देखना हमारे यहां शास्त्रों में जरा मना है, चौथ का चंद्रमा हम लोग देखते नहीं, आप शुकन मानते हैं, मैं तो इसमें कुछ ऐसा नहीं मानता, लेकिन ये विचार की दृष्टि से
चौथ के चांद नहीं देखा जाता, हम दूज के चांद को देखते हैं, उसको बहुत पवित्र मानते हैं, दूज का चांद, चौदहवीं का चांद, वो शायरों की दुनिया है, ये पूरा बिलग बिलग क्षेत्र हो जाता है। लेकिन भारतीय नारी के लिए दूज का चांद है, भारतीय नारी का दर्शन हमारे यहाँ दूज के चांद की तरह माना गया है। रावण को विभीषण ने कहा ये चौथ चंद्र की तरफ फेंक दे, ये लीला ये बात छोड़, आन दंड कछु करें गोसाई। वहां भी रावण को गोसाई बताया गया है, सीता जी ने भी अपहरण करने आया तब कहरा सीता सुनु जति गोसाई, आदि आदि गोसाई शब्द आए, कितना कितना अब स्मृति में आ रहा है तो अब पाठ कर लू, बाकी तो व्याख्या मुश्किल है। तो विभीषण शरण में आता है, सागर निग्रह की बात आई है और समुद्र ने सेतुबंध का प्रस्ताव रख दिया, प्रभु ने जोड़ने वाली बात को कबूल कर ली और गोस्वामी जी सुंदरकांड का समापन करते हुए गा उठे। यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गाय, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावै सुनै संतत सखमना। लंका कांड के आरंभ में काल का वर्णन है, सेतु बंध बन गया, प्रभु राम ने सबसे कहा कि मेरी इच्छा है ये परम उत्तम धरणी है, यहां भगवान शिव की स्थापना करो ताकि सेतुबंध अखंड रहे। शिव सबको जोड़ने वाला देव है, शिव की उपासना असुर भी करता है देव भी करता है, शिव के पास ब्रह्मर्षि भी जाते हैं, देवर्षि भी जाते हैं, राजर्षि भी जाते हैं, महर्षि भी जाते हैं, मनीषी भी जाते हैं, मूढ़ भी जाते हैं, कथा का अमृत भी उनके पास और विषों का जहर भी उनके पास, शिव सबका स्वीकार्य देवता है। तो ये सेतुबंध के महादेव है जोड़ने वाला, तो प्रभु की इच्छा थी सब जुड़े रहे। तो रामेश्वर भगवान की स्थापना की बात आई, भगवान रामेश्वर की स्थापना ठाकुर के हाथों से हुई, एक बार भाव जगत में जय घोष की, बोलिए रामेश्वर भगवान की, हर हर महादेव। शिव स्थापन हुआ, सेना सिंधु पार हुई, सबने लंका में डेरा डाला जहां जहां जगह मिली, प्रभु ने सुबेल पर्वत पर, और फिर उसी रात को पूर्णिमा का चंद्र उसकी चर्चा, फिर रावण के सभा का महारस भंग होता है, दूसरे दिन सुबह फिर एक मौका देने की बात आई कि एक बार फिर रावण के पास संधि का प्रस्ताव भेजा जाए, यदि रावण युद्ध की बात छोड़ दें तो हमें युद्ध नहीं करना, ये राम की सभ्यता है। राजदूत के रूप में वाली तनय अंगद को भेजा गया, बहुत कोशिश की साध्वी ने संधि की, लेकिन युद्ध अनिवार्य हुआ, तुलसी को लिखना पड़ा, निशिचर की सलराई भर निश विविध प्रकार, कुंभकरण घन नाद कर बल पौरुष संघार, निशिचर निकर मरण विभिन्ना रघुपति रावण समर बखाना, रावण वध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोक, सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन की स्मृति कर दे, पुष्पक चढ़ कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता, जो विधि राम नगर निज आए बायस विशद चरित सब गाए, राम अभिषेका पुर वरन तृत नीति अनेका, कथा समस्त भीषण युद्ध होता है।
ये किसी का नाश करने का युद्ध नहीं था, जिसका अधिकार हो चुका था उसके निर्वाण का युद्ध था। भगवान ने सबको निर्वाण प्रदान किया, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, ये इंद्रजीत को, कुंभकर्ण को, रावण को, ये सबको प्रभु को निर्वाण देना था, और स्थूल रूप में तो मारना था बाकी तारना था। इसलिए जानकी को माया रूप में साथ रखा, क्योंकि वो मूल जानकी होती तो रावण इनका भी बच्चा है, जानकी उसको मारने नहीं देती, खबरदार रावण को मारा है तो राम जी को मार। इसलिए उसने ललित लर लीला में इस जानकी का छाया रूप रखा, वरना रावण को मारना मुश्किल। और महाकवि निराला जी की दुर्गा शक्ति पूजा देखो साहब, इतना बड़ा सुंदर काव्य निराला जी ने लिखा। जब भगवान राम आखिर में रावण मरता नहीं तब दुर्गा पूजा करते हैं और कमल चढ़ाते हैं रोज, हनुमान जी कमल लाते थे, एक दिन कमल कम पड़े दो, तब प्रभु ने कहा कि दुनिया मुझे राजीव लोचन कहते हैं, तो आज मैं दुर्गा की पूजा में मेरे बाण की नोक से मेरे नेत्र का कमल चढ़ा दूं, तब दुर्गा प्रसन्न होती है। आज दुर्गा की नवमी भी पूरी हो रही है, चैत्र नवमी। तो मेरे कहने का मतलब निर्वाण देना था और समाज का नव निर्माण करना था, एक प्रेम राज्य स्थापित करना था। न रहे दशरथ राज्य, न रहे दशाननी राज्य, हो जाए प्रेम राज्य। तो निर्वाण देकर निर्माण करना था, यही था मिशन भगवान राम का। तो सबका उद्धार किया मंदोदरी ने, शोक व्यक्त किया, प्रभु की स्तुति की, रावण आदि सबका संस्कार हुआ, विभीषण को राज मिला, और राज विभीषण देव अशोका, सीता और राघवेंद्र का पुनः मिलन हुआ। जो अग्नि में समा गई थी वो जानकी अब पुनः बाहर आती है, और राक्षस लोग जानकी को सबको देखने के लिए दौड़े, तब प्रभु ने कहा कि उसको आने दो, सब जानकी को मिले, जननी की तरह उनका दर्शन करे, ऐसी बात आई। संक्षेप में बिल्कुल कह देता हूं, फिर प्रभु जितने निज साथी जो थे उनको साथ में लेकर पुष्पक विमान तैयार होता है, और पुष्पकारूढ़ राम अयोध्या के लिए लौटते हैं। जानकी जी को विमान से सेतुबंध का दर्शन करवाते हैं। रावण जहां मरा है सीता को, वो भूमि विमान से राम जी ने दिखाई, तब कहा कि रावण को मारा गया। कुंभकर्ण की जहां मृत्यु हुई, कुंभकर्ण को भगवान ने अपने आप को कर्तापना नहीं माना, मारा गया, किसने मारा वो नहीं, लेकिन सेतु बंधाया, तब राम जी ने कहा यहां सेतु बांधो, अहीं सेतु। राम कहते मेरा काम किसी को मारना नहीं, मेरा काम तो सेतु निर्माण करना, वहां राम का कर्तृत्व निर्मित होता है। विमान चला है, ऋषि मुनियों के पास मिलते मिलते आश्रमों में जाते जाते भगवान राम का विमान श्रृंगवेरपुर उतरने वाले थे। हनुमान जी को कहा कि आप अयोध्या जाइए और भरत को खबर करें, 14 साल में कहीं गिनती भेद में हमारे लिए कल पूरा हो रहा है, कहीं भरत के लिए आज 14 साल पूरा हो जाए, और भरत कहीं प्राण त्याग न दे। हनुमान जी को भेज देते हैं और प्रभु का विमान श्रृंगवेरपुर उतरता है। ये भील, ये निषाद, ये कौल, ये किरात, ये तिरस्कृत, ये वंचित, ये अभावग्रस्त, ये सब फिर दौड़े, प्रभु आए, प्रभु आए। अरे सब कहने लगे नौका लाओ, नौका लाओ, सब आए। प्रभु सबकी खबर पूछते हैं। वही राम जो पहले मिले थे, वही आज विजय के बाद ऐसे ही राम मिल रहे। वो नौके वाले को बुलाकर भगवान ने कहा, भाई तूने कहा था कि फिरती बार जो दोगे सो ले लूंगा, बोल अब तेरी उतराई क्या दूं। तो केवट रो पड़ा, महाराज ये तो एक युक्ति थी कि दूसरी बार इस बहाने आपके दर्शन हो जाए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तेरे पास आने के बाद क्या क्या मिलता है उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रवास साहब की एक नई गजल के दो शेर में सुना दूं आपको, बड़े प्यारे शेर उसने कहा कि कहीं किसी के पास जाने के बाद क्या नहीं मिलता। केवट ने कहा कि नाथ आज मैं
कहा है ना पावा, ये केवट कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ ये तो मैं कह देता हूँ, केवट ने इतना जरूर कहा था राम जी से कि महाराज कुछ देना हो तो ऐसा करो, आप जब गए ना तब मेरी नौका में मैंने बिठाया था, आज ऐसा करो ना विमान में बिठा कर मुझे भी अयोध्या ले चलो ना महाराज। इतना है वो सारे खजाने उठाने गया है, वो सारे खजाने उठा ले गया है, फकीरों की जो भी दुआ ले गया है, जो साधु फकीरों की दुआ ले लेता है वो सारी दैवी संपदा ले जाता है, उसको क्या नहीं मिला। नाथ का आजू में काह न पावा, वो सारे खजाने उठा ले गया है, फकीरों की जो भी दुआ ले गया है। मेरे कान में मौत आहिस्ता बोली, प्रवास साहब कहते मेरे कान में मौत आहिस्ता बोली कि तुझे तेरा साई बचा ले गया। मेरे कान में आकर, मौत में शब्द बदल देता हूं, मौत आकर ये बोली कि तुझे तेरा साई बचा ले गया है। फकीरों के पास जो पहुंचते उसको क्या नहीं मिलता साहब, क्या उसको नहीं प्राप्त होता है। जो फूलों से गुजरा वो नजरें मिलाएं, तू फूलों की अदा ले गया। जो एक पल को आ बैठा तेरी बज्म में, बज्म शब्द में कह देता हूं, प्रवास साहब क्षमा करिएगा लेकिन आप अपना शब्द आप बोले वही ठीक लगेगा, मैं तो बज्म यानी महफिल, जो जो आप अर्थ, प्रवास साहब का एक अपना अपना एक भाव है, एक अपना सच्चे दिल की उनकी एक आवाज है। खैर छोड़ो, तो शेर है, जो एक पल को भी आ बैठा तेरी बज्म में, एक पल के लिए भी कोई साधु की कोई फकीर की महफिल में बैठ जाए, जो एक पल को आ बैठा तेरी बज्म में वो सदियों का सारा मजा ले गया है। वो सदियों का सारा मजा ले गया है, वो सारे खजाने उठा ले गया है, फकीरों की जो भी दुआ ले। नाथ आजू में काहन पावा, भगवान उसको साथ ले लेते हैं गुह को मानो। और यहां हनुमान जी, यहाँ लंका कांड पूरा हो जाता है, हनुमान जी भरत जी को खबर करते हैं, मारुत सुत में कपि हनुमाना नाम मोर सुनु कृपा। हनुमंत और भरत जी मिले, जब भरत के हनुमान जी के मुख से सुना भरत ने कि ठाकुर अनुज सहित माँ जानकी के साथ सकुशल आ रहे हैं, भरत की आंखें भर गई। हनुमान जी से फिर गले लगाकर बोले, इस खबर के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं, मैं क्या दूं? अब विलंब न करे तू जा कह दे, अवध को बचाना मुश्किल है, पल पल जुग की तरह जा रही है। भरत जी दौड़े अवध में गुरुदेव और सबको खबर गई, मेरा परमात्मा मेरे सभी गुनाहों को माफ करके लौट रहा है और पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी है। यहां हनुमान जी ने खबर दी, विमान सरयू के तट पर अवध धाम में उतरा है, पूरी अयोध्या उमड़ी है। भगवान विमान से नीचे उतरे, बंदर भालू जो सखा थे वो भी मनुष्य के रूप में नीचे उतरे। भगवान ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और भगवान दौड़े, अपने धनुष बाण फेंक दिए और वशिष्ठ जी के चरण पकड़े। मित्रों का परिचय गुरु को, गुरु का परिचय मित्र, और भरत और राम जब मिले तब तो कोई निर्णय नहीं कर पाया कि दो में से वन में कौन गया था। एक करो शत्रुघ्न मिले, रो पड़े लक्ष्मण, सब मिले। और उसी समय ठाकुर को लगा कि लोग 14 साल से वियोग में साधना कर रहे थे, एक एक को व्यक्तिगत रूप में साक्षात्कार नहीं दूंगा तब तक संतुष्ट नहीं हो, इसलिए भगवान ने ऐश्वर्य लीला की और अपनी व्यापक दिखाते हुए अनेक रूप धारण की लिया। गोस्वामी जी ने गवाह दी, अमित रूप प्रगटे काला
जथा जोग सब भगवान ने अमित रूप लिए, जिसका जो भाव था ऐसे ठाकुर सबको मिले और प्रभु भवन आ रहे हैं। भगवान ने सोचा मेरी माँ कई कई बहुत लज्जित है, पहले माँ के पास जाऊं। गोस्वामी जी कहते प्रभु जानी कई के प्रथम बहुत सुख गवन प्रभु जानी कई के प्रथम पास। सबसे पहले माँ कई कई के पास गए, फिर सुमित्रा जी से मिले और फिर माँ कौशल्या, पूरा परिवार और पूरी अयोध्या कोई बोल नहीं पा रहे, आनंद में डूबे हैं। वशिष्ठ जी पधारे हैं। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को कहा कि राज तिलक आज ही कर दे। ब्राह्मणों ने कहा अब कल का भरोसा करना ही नहीं है, एक दिन का कल्क करने, एक रात ममता के बीच में आ गई ना तो 14 साल राम राज्य दूर चला गया, अभी ही कर दो। चारों भाई तैयार हुए हैं दिव्य सिंहासन में। राम सिंहासन के पास नहीं गए, सत सत्ता के पास नहीं जाता, सत्ता स्वयं सत के पास आती है। सिंहासन दिव्य आया है, भगवान राम का राज्यारोहण की ये मंगल बेला थी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम जानकी को आदेश हुआ कि शासन आप करें, ऋषियों ने कहा अनुशासन हम करें। पृथ्वी को प्रणाम करके, भगवान सूर्य को प्रणाम करके, दिशा के देवताओं को प्रणाम करके, प्रजाजनों को प्रणाम करके, माँ को प्रणाम, माताओं को प्रणाम करके, प्रजा को प्रणाम करते हुए राम विनम्रता से गादी पर विराजमान हुए और विश्व को राम राज्य देते हुए वशिष्ठ जी ने राम के भाल में राज तिलक का तिलक किया। गोस्वामी जी लिख प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा पुनि सब विवरण आयसि सुतहि बिलोकि हर्षि महतारी बार बार आरती पहला राम राज्य का प्रेम राज्य का तिलक भगवान वशिष्ठ जी ने राघवेंद्र के बाल में सारा और त्रिभुवन में एक आवाज उठी, सब बोल उठे, बोलिए राजा राम चंद्र भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, अयोध्या धाम की, चारों भैया की, सरजू मैया की, भारत माता की, धरती माता की, हर हर महादेव। और हर हर महादेव का नारा हुआ ही और कैलाश से शंकर स्वयं आया। यहां नारा पुकारा गया और महादेव सीधे राज दरबार में आ गए, एक भी देवता नहीं आया। देखो, क्योंकि देवताओं को राम राज्य में रुचि नहीं थी, उनको तो अपने भोग सलामत रहे, वो हो गया। ऊपर अवकाश आकाश में विमान घुमाकर दो चार फूल फेंक कर सब देवता बहुत स्वार्थी और भोगवादी अपने अपने, राम राज्य में तो रुचि थी शंकर जैसे फकीर को। महादेव आए दरबार में, वही रूप में आए हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं राजा धीराज राम भद्र की स्तुति महादेव गाओ। रमा रमनम समनम भवतात
भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरे शरमे सवि भो शरणागत मागत पाहि प्रभो जय राम रमा रमनम सामनम कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंदनिकंदय द्वंद्वघनम महीपाल विलोकीय दीनजनम जय राम रमा रमणम महादेव स्तुति कर रहे हैं। भक्ति का वरदान प्राप्त करके महादेव कैलाश गए, चारों वेद आए स्तुति करने के लिए। भगवान की स्तुति करके वेद ब्रह्म भवन गए, प्रभु ने अपने मित्रों को निवास दिलवाया। प्रेम राज्य राम राज्य का पर्याय शब्द है, राम राज्य की स्थापना हो। जो कभी विश्ववंद गांधी बापू भी चाहते थे कि देश में राम राज्य हो, ऐसे प्रेम राज्य की परस्पर सब प्रीत कर रहे हैं। सबके सुंदर शरीर है, किसी के देह में कोई रोग नहीं है, कोई अलक्ष नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई रोगी नहीं है। सबके इतना सुंदर राम राज्य का वर्णन है मानस में कि क्या बताएं। समय बीतने लगा, मित्रों को प्रभु ने विदा दे दी, एक हनुमान जी रहे, बाकी सब विदा हो गए। नरलीला है ठाकुर की, बाकी तो वो ब्रह्म है, फिर भी नरलीला करनी है, इसलिए समय मर्यादा पूरी होते ही जानकी जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया, लवकुश यानी रघुवंश के वारिस के नाम तुलसीदास जी ने लिख दिए। उसी तरह और तीनों भाइयों के घर भी दो दो बेटे हुए। फिर संवाद वाले जितने प्रसंग थे इतने रखकर गोस्वामी जी ने विवाद दुर्वाद और अपवाद वाली बातों को नहीं लिया मानस में। एक आदमी दुर्वाद करे, जानकी पर अपवाद लगाए, और जिस प्रसंग में विवाद है जानकी का दूसरी बार वनवास हो जाए आदि आदि प्रसंग तुलसीदास जी ने मानस में नहीं लिखे है, क्योंकि मानस की कथा संवाद की है, विवाद की नहीं। तुलसी चाहते थे कि सीताराम जी की ये जोड़ी प्रत्येक विश्व के नागरिक के हृदय में कायम बैठे, भगवान करे वो कभी बिलग न हो, ये छवि कायम रहे, चाहे उसे सच्चिदानंद भक्ति की छवि कहो, श्रृंगार और छवि की जोड़ी कहो, भक्ति और भगवान की जोड़ी कहो, आदि ब्रह्म और आदि शक्ति की जोड़ी कहो, जो कहो। तो राम राज्य की ऐसी स्थापना हो गई। उसके बाद तुलसीदास जी ने राम कथा को वहां पूरा किया, और उसके बाद जो कथा है रामचरितमानस में उत्तरकांड में, वो बाबा भुसुंडी जी का चरित्र है। भुसुंडी भी गोसाई हैं, और जिसके साथ बहुत बार गोसाई शब्द का प्रयोग काक भुसुंडी ने किया, वो गरुड़ भी गोसाई हैं। एक गोसाई से कथा सुन रहे गरुड़ की के सामने बाबा भुसुंडी जी ने कथा गाई, कथा समस्त भुसुंड बखान। उसके बाद गरुड़ ने आखिर में 7 प्रश्न पूछे, काग भुसुंडी जी ने सभी प्रश्नों के उत्तर देते, 7वां प्रश्न था मानस रोग, मानसिक रोग, उसकी चर्चा की। कथा पूरी हुई और सदगुरु के चरण में प्रणाम करके गरुड़ वैकुंठ जाने के लिए तैयार हुआ। हे गुरुदेव, हे बाबा भुसुंडी जी, आपने मुझे धन्य कर दिया। खगराज अपने पंख फैलाते हुए, कथा सुनने के बाद युवानों की पंख फूटनी चाहिए, पंख उड़ान के लिए युवान तैयार होना चाहिए, जैसे कि गरुड़ वैकुंठ गए। बाबा भुसुंडी ने उपासना के घाट से कथा पूरी कर दी। याज्ञवल्क महाराज ने भरद्वाज जी को प्रयाग के कर्म घाट पर कथा पूरी की कि नहीं,
वो स्पष्ट मिलता नहीं, मानो गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी बहती रहेगी, तब तक ये कथा भी बहती रहेगी, काश हम सुन पाए। तो परम विवेकी याज्ञवल्क्य ने परम प्रपन्न भरद्वाज जी के सामने अपनी कथा को वो किया। कैलाश के शिखर पर बैठे हुए ज्ञान पीठ पर विराजित भगवान भूतभावन शिव जी पार्वती को कथा सुना रहे थे। वो शिव ने कथा पूरी और पार्वती से पूछा, अब आप कुछ सुनना चाहती हैं? पार्वती ने कहा, मैं कृतकृत्य हो गई, आपकी कृपा से मेरे सब संदेह मिट गए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, पार्वती ने कहा, एक ओर से मैं धन्य हो गई, लेकिन दूसरी ओर से लगता है कि आपके मुख से कथा सुनते तसल्ली नहीं हो रही, प्यास और बढ़ी है। महादेव ने कथा को कुछ भविष्य के लिए संकेत करते हुए कथा को विराम कर दिया और कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी, जिसके कारण पूरा भारत नहीं पृथ्वी का पूरा ये गोला और पूरा विश्व धन्य है, उसकी ये पावन भूमि, जो मैं पहले दिन कह रहा था कि राजापुरी दर्शन, ये छह दर्शन के ऊपर एक सातवां दर्शन जो मेरी व्यासपीठ मानती है, वहां का दृष्टा, वहां का दर्शक, दर्शन पेश करने वाले गोस्वामी जी अपने मन को कथा सुनाते सुनाते कथा को विराम देने लगे। लेकिन मन को कथा सुनाते विराम देते पहले हम सबको तुलसी एक शिख दे गए, पूरी राम कथा याद न रहे तो चिंता मत करना मेरे भाई बहन, जाते समय मैं आपसे यही मांगू कि ये पंक्तियां याद रखें। यह कलिकाल में जोग जग्य जप तप व्रत राम ही सुनिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम ही राम। तुलसी जी ने अपने मन को समझाते हुए और हम सबको कहते हुए कहा कि इस कलयुग में और कोई साधन हम जैसे लोग कर पाए, ऐसा सरल साधन कौन है? बोले इतना करो, राम ही सुमिरिय, राम को स्मरो, गाइए राम ही, कोई पीने वाला मिले तो राम कथा पिलाओ गाओ, और संत तो सुनिए राम गुण ग्राम, और कहीं सुनना मिल जाए तो सुनने बैठ जाओ, राम को स्मरो, राम को गाओ, राम को गुनो, राम के बारे में बोलो। उनका नाम बड़ा पतित पावन है, कैसे कैसे अधमों को इन नाम ने धन्यता प्रदान की है। आखिर में तुलसी बोलते हैं, वर्धा में ये सब भूल गए थे, आखिरी क्षण सब कुछ रह गया था सेवाग्राम, यहां भी रह जाता भूल, लेकिन समय सर मेरे, लेकिन ये पूरा आखिर में छंद बन सब सीधी कथा पूर्ण होती हो गई थी, लेकिन आज फिर वो संबंध जोड़ गए। हरि का नाम किसको उद्धार नहीं करता है, तुलसी कहते मेरे सामने देखिए, कृपा लवले परम विश्राम राम समाई। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुरवि, अस विचार रघुवंश अरघु विषम भव।
कानी नार प्यार जिमे लोभी प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहू मोहिया यत पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गम श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्य मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदम् मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहं ते संसारपतङ्गघोरकिरणे दह्यन्ते नो मानवा इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम सप्तम सोपान उत्तरकांड समाप्त श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। तो गोस्वामी जी ने भी राम कथा को विराम दिया, शिव जी ने भी दिया, याज्ञवल्क्य जी ने दिया कि नहीं वो खबर नहीं, गोसुंडी जी ने भी साफ साफ रूप में गरुड़ के सामने पूरा किया। आज इन चारों आचार्यों का आश्रय लेकर मैं मेरी तलगा जरड़ी आंखों से राजापुरी दर्शन आपके सामने बोल रहा था। मेरी व्यासपीठ इन चारों की कृपा की छाया में बैठकर इस पावन धरा पर मानस गोसाएं की चर्चा कर रही थी। मैं भी मेरी इस व्यासपीठ से मौन लूं उतरूं इससे पूर्व आखिरी कुछ उपसंहारक सूत्र बोल दूं। मानस गोसाई एक बार इन दोनों पंक्ति गा लीजिए। करुणामय रघु इन दो पंक्तियों का आश्रय लेकर हम सब मिलकर 9 दिनों से राम कथा का सात्विक तात्विक दर्शन कर रहे थे। मानस में रही गोसाई शब्द की कुछ राजापुरी व्याख्या में आपके सामने रख रहा था। रामचरितमानस में एक शब्द है संत के लक्षण के बारे में, अनारंभ अनिकेत अमानी। साधु का लक्षण दिखाते हुए गोस्वामी जी ने कहा संत कौन, तो कहे अनारंभ। अनारंभ का अर्थ होता है जो किसी वस्तु का आरंभ ही न करे, क्योंकि आरंभ हो तो अंत होना। अनारंभ इस साधु का लक्षण माना गया। भगवद गीता एक दूसरी आवाज में बोलती है, वो कहती है अनारंभ नहीं लेकिन पहले सब कर लो
और फिर सर्वारंभ परित्यागी, फिर सब जो जो आरंभ तुमने किए थे, जो जो उपक्रम किए थे, वो फिर सब छोड़ो। जैसे शबरी के प्रसंग में लिखा, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूं, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। तो एक तो है अनारंभ, कुछ आरंभ ही न करे, एक है। लेकिन आरंभ ही न करे वो गीता के न्याय से तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गीता कहती है क्षण भी कोई बिना कर्म रहता नहीं, तो करे क्या? तो बोले करो सब कुछ, लेकिन फिर सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर सभी उनके चरणों में रखो। गोस्वामी की व्याख्या जब चल रही है, तब गोसाई वाला, गोस्वामी वाला, स्वामी वाला एक स्वा है, स्वारंभ, आरंभ करना पड़ेगा। लेकिन गोसाई वो है जो स्व से आरंभ करे, बोलू मैं और करे दूसरा, तब असर नहीं होगी। धर्म के चार चरण, सत्य, दान, दया, तप, ये चार हो तो ठीक, लेकिन रामराज्य क्यों नहीं हुआ 14 वर्ष? ये चारों सूत्र कई कई और मंत्रा के इस कार्यकलाप ने बदल दिए। सब हमें एक को पालना पड़ेगा, सत्य भी, तप भी करना पड़ेगा, दया भी करनी पड़ेगी, दान भी करना पड़ेगा। अब कई कई ने क्या कर दिया, सत्य राम पाले, दशरथ जी पाले, वचन वो निभाए, वन में जाकर तप राम करे, और राज्य दान में हमको मिले, और हमारे पर कोई नाराज न हो, दया हम पर हो, दान हमको मिले, दया हम पर हो, तप राम करे, सत्य राम ने धर्म का इस तरह विभाजन कर दिया। चारों स्तंभ पर धर्म टिकता है। कौन गोस्वामी? जो स्वारंभ करता है, जो स्व से, चैरिटी बिगेन कहते हैं, चैरिटी सदैव अपने से शुरू होती, उसको मेरी व्यासपीठ स्वारंभ। गोसाई लोग जो 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 इस तरह के महापुरुष है, वो खुद से शुरू करते हैं। महादेव भाई देसाई को गांधी जी के निजी सचिव, किसी ने पूछा कि एक गांधी बापू बोलते हैं, वो शब्द इतना असरकारक क्यों हो जाता? तो महादेव भाई ने कहा कि जो बंदूक में जो गोलियां होती है, अथवा तो रिवॉल्वर में जो जो कार्टिस या जो होती है, वो केवल हाथ में पकड़कर किसी को मारो तो कोई मरेगा नहीं, सिर बिर में लगे तो थोड़ा। मैं कभी कभी वो देहाती वार्ता कहा करता हूँ ना, मैंने वो 17 ऊंट वाली वार्ता यहाँ कही नहीं ना, 17 ऊंट वाली। एक गांव में एक मुखिया था, वो बीमार हुआ, मरने की तैयारी पर, उनके 3 बेटे थे, उनके पास 17 ऊंट थे, तो उस मरते मरते उसने पंचायत को कहा, मेरे 17 ऊंट मेरे बेटों को इस तरफ बांट दो तो मुझे शांति हो जाए। तो बोले लिखाओ, बूढ़ा मरने से पहले लिखा गया, 17 ऊंट से आधे ऊंट मेरे छोटे बेटे को दे देना मरने के बाद, तीसरे भाग के ऊंट मेरे मझले बेटे को दे देना, और 9वें भाग के ऊंट मेरे बड़े बेटे को, बड़े को थोड़ा मिलना चाहिए, छोटे को ज्यादा। ये उसने न्याय लिया, बूढ़ा मर गया, उसकी अंत्येष्टि उत्तर क्रिया सब हो गई, फिर पंचायत बैठी, वो कागज निकाला, 3 बेटे 17 ऊंट बाड़ा में खड़े थे, अब के बांट दो, तो बस कागज पे जा गया कि आधे ऊंट छोटे बेटे को दे दो। अब 17 का आधा कैसे हो? उस दिन तो पंचायत भी पता नहीं लगा, बूढ़ा लिखा गया लिख दिया, 17 का आधा तो हो ही नहीं सकता, 16 हो तो 8-8 हो, और 17वें को बीच से काटे, ये तो नहीं हो सकता, और 17 का तीसरा हिस्सा भी नहीं हो सकता, तीसरा भाग 17 का तो नहीं हो सकता, और 9वां भाग भी नहीं हो सकता। गांव की पंचायत मुश्किल में कि बूढ़ा मरा और मारता गया, हमको पता ही नहीं रहा कि इसका इस दिन लिख दिया। 8 दिन से पंचायत बैठी लेकिन समस्या का हल नहीं हो रहा। तब एक संत उसी क्षेत्र में घूमता रहता था, तो फकीर की तरह, तो वो भी अपना एक ऊंट रखता था, वो ऊंट लेकर आया उसी गांव में, राम जी मंदिर था वहां बैठा, तो एक किसान दूध का लोटा लेकर गया, अरे बाबा आप पधारे, बड़ी कृपा हुई, पधारिए पधारिए, लो ये दूध पियो और हमारे गांव में एक समस्या है उसका समाधान कर दो। बोले क्या है?
एक बूढ़ा मरा, 17 ऊंट रख गया, आधा छोटे को, तीसरा भाग बीच वाले को, नौवां भाग बड़े को, और उस समय हमको पता नहीं लगा 17 के ऐसे भाग हो ही नहीं सकते। बाबा दूध पी लो और समाधान कर दो। तो बाबा ने कहा दूध हम पहले नहीं पियेंगे, पहले आपकी समस्या का समाधान कर दें फिर हम दूध पियेंगे। और दुनिया में जो पहले दूध पी गए हैं ना उसने कभी कोई समस्या का समाधान दिया ही नहीं। समाधान तो वही दे सकते हैं कि बाद में दूध पिए। और समाज में इतना भ्रष्टाचार क्यों है, सब दूध पहले पी गए हैं। रावण के काल से चला आ रहा है, फिर वो रामायण का शब्द कोट करो। सब भ्रष्टाचार संसारा धर्म साधु ने दूध न पिया, कहे चलो मुझे ले जाओ पंचायत, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, 17 ऊंट वाड़ा में खड़े। बाबा से बात को कागज निकाला कि आधे ऊंट छोटे को, तीसरे भाग के मजले को, नौवें भाग बड़े को, कैसे बाबा उसका कैसे बंटवारा कर। अरे महात्मा ने कहा ये तो चुटकी की बात है, कैसे तो खुद का जो ऊंट था ना उसने 17 में मिला दिया, 18 कर दिया, और कहा अब गिनो कितने हैं 18। तुम्हारे बुझे ने क्या कहा था, बोले छोटे बेटे को आधा दो, तो 18 से 9 आधा हुआ, छोटे बेटे को दे दो। फिर 18 का तीसरा भाग करो, बोले 6, मजले को 6 दे दो, 9 दिया छोटे को, 6 उसको, 9 × 6 = 15 हो गए। 18 का नौवां भाग करो, 2 बड़े को 2 दे दो, 9 × 6 = 15 = 17 दे दिए, अपना ऊंट लेकर बाबा निकल गया। जो स्व से आरंभ करेगा वो गोस्वामी है, जो समाज की समस्या का हल वही कर सकता है, जो अपना ऊंट अंदर शामिल कर सकता है, जो स्व को डालेगा वो सर्व के लिए काम कर सकेगा। गोस्वामी जी ने अपने स्व को डाला है, अपने आप को समर्पित किया। तो मेरे भाई बहन, मैं बहुत उसी मानसिकता से कथा पूरी करने कि मुझे, मैंने गोस्वामी के बारे में इतने दिनों से बोल रहा हूं फिर भी मुझे अब लग रहा है कि इतना ही बाकी रह गया। यही तो शास्त्र की महिमा है, लाख कहो फिर भी सब छूट जाता। आखिर में मुझे यही कहना था कि रामचरितमानस स्वयं गोस्वामी है। ये मानस गोस्वामी जी की रचना तो है ही ये, लेकिन मानस गोसाएं का एक अर्थ ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने नागपुर की कथा में शायद कहा मानस ही मंगल मूर्ति है। मानस मंगल मूर्ति नागपुर का सब्जेक्ट था ना, तो मानस मंगल मूर्ति माने मानस स्वयं मंगल मूर्ति, हनुमान जी मंगल मूर्ति, गणेश जी मंगल मूर्ति आदि आदि, मानस स्वयं मंगल मूर्ति। वैसे मानस गोसाएं तो मानस स्वयं गोसाई है, मानस ही गोसाई। अब लोक बोली में संस्कृत भाषा में गो के जितने अर्थ होते हैं वो सब खरा राम कथा करती है, इसलिए मानस स्वयं गोसाई। कुछ तो मैंने पहले दिन या दूसरे दिन कहा, गो का एक अर्थ है गाय, गो मानी गाय। राम कथा सुर धैनु सम सेवत सब सुखदा, ये गाय है, इसलिए राम कथा गो के नाते ये मानस स्वयं गोसाई है, ये गाय है। गो का अर्थ वाणी है, वाणी यानी वेद वाणी, और इनमें तुलसी की वाणी, ये वेद है, ये वाणी है, वाणी का शास्त्र है। गो का अर्थ वेद भी होता है, गो का अर्थ वाणी भी होता है, ध्यान देना, गो मानी वेद। इसलिए हमारे यहां एक शब्द आया गोविंद, कृष्ण के लिए जो शब्द उच्चारित किया गोविंद, गोविंद का अर्थ एक नाम भी है कृष्ण का, लेकिन गोविंद का अर्थ है गो यानी वेद द्वारा जो विंद होता है, वेद के द्वारा जो जाना जाता है, वेद विद, जो वेद विद्या हो हम नहीं जान पाए। एक एक आमिष भोगी जटायु बोलता है तू गोविंद हो, भगवान की जब स्तुति जटायु ने की है रामचरितमानस में, गोविंद गो पर द्वंद्व घन विज्ञान घन बल अप्रमेय,
अनादि, तुम्हारा बल अनादि है, आप अज हैं, आप ये हैं, आप क्या नहीं है, ऐसे कहते गोविंद। गोविंद का अर्थ यहां है कि तू वेद के द्वारा जानने योग्य हो। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, ये वेद है, ये वेद का सार है। ऐसे महाभारत पंचम वेद माना गया है, लेकिन मैं कभी कभी कहता रामचरितमानस भी पांचवा वेद है, ऐसा मेरे पहले के निवेदन में आता है। ये पांचवा वेद, ये पंचम वेद, क्यों पंचम वेद, महाभारत तो है ही पांचवा वेद कहा गया, लेकिन रामचरितमानस भी पांचवा वेद है। क्यों? कि जिसके पांच मुख है, चार वेद ब्रह्मा के, क्योंकि ब्रह्मा के चार मुख है तो चार वेद, लेकिन शंकर के पांच मुख है, और ये पांच मुख वाला शंकर ने मानस की रचना की, इसीलिए पांचवा वेद है, क्योंकि शंकर के पांच मुख है। विकट वेश मुख पंच पुरारी, तो वाणी कहो गो का अर्थ तो भी मानस गोसाई है, वेद कहो गो का अर्थ तो भी मानस स्वयं गोसाई, और गो का एक अर्थ होता है पृथ्वी। विश्व भार भर अचल क्षमासी, वो स्वामी जी कहते हैं पूरे विश्व को धारण करने में राम कथा पृथ्वी है, गो का अर्थ पृथ्वी, तो ये मानस गोसाई हो जाए, मानस स्वयं पृथ्वी हम। और शास्त्र की व्याख्या छो, मैं अपने से शर्म, राम कथा के बिना अपने को किसने धारण किया है, गुजराती में कहो तो कौने टेके उभा सीए, कल्पना तो करो साहब, विश्व का भार उठाने वाला रामचरितमानस, कम से कम व्यक्तिगत जीवन तो देखो हमें कौन निभा रही है, ये हमारा मानस गोसाई है जो पृथ्वी है। तो गो का जो जो अर्थ लगता है वो मानस में खड़ा हो जाता है। गोविंद गो पर द्वंद विज्ञान धन, जो राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजन, नित नौमी राम अकाम प्रिय कामादि खर दल गंगन, गोविंद गो पर द्वंद्व हर विज्ञान गण धर। गो का एक अर्थ होता किरण, किरण गो मानी किरण। राम कथा शशि किरण समान संत चकोर, राम कथा स्वयं चंद्र के किरण के है, तो गो का अर्थ वो भी लागू, तो मानस स्वयं गोसाई बन जाता। और छोड़ो सब, लेकिन साई का अर्थ जब स्वामी करके नाथ करके हम कह रहे हैं, तब प्राणनाथ रघुनाथ ये सब शब्द हैं रामायण के, कि प्रभु प्राणनाथ है रघुनाथ है, लेकिन हम जो सब के लिए तो ये रामायण ही हमारा नाथ है, हमारा स्वामी रामायण ही, रामायण हमारा नाथ है, हमारा प्रभु है, हमारा इष्ट है। तो जितने जितने गो के पर्याय शब्द मिल जाते हैं वो गो मानी दिशा, दिशाएं गो। आप कबूल नहीं करें कि आज दसों दिशा में समस्त दिशाओं में राम कथा पहुंच चुकी है, एक दिशा नहीं छोड़ी है साहब, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बीच वाले कोने भी नहीं छोड़े हैं, हर जगह राम कथा है, क्योंकि ये किसी कोई वक्ता की करामत नहीं है, शंकर जी ने स्वयं कहा है कि धन्य धन्य गिरी राजकुमारी तुम समान पूछे रघुपति कथा प्रसन्न सकल लोक
पावन गंगा सकल लोक पावन गंगा। और कबीर की बोली में और हम सब कहते गुरु गोविंद एक है, गुरु गोविंद एक है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू आदि आदि हम जानते। तुलसी जी भी ये शब्द का प्रयोग करते हैं गुरु गोविंद विप्रपत, तुलसी गुरु और गोविंद के जो, तो राम कथा में गोरूपी गोविंद और राम कथा स्वयं गुरु भी है। सद गुरु ज्ञान विराग जो दे विबुध भीम रोग के विबुध भव भीम रोग। और लोक बोली में और हमारी शास्त्रीय बोली में गो माने इंद्री, जो दूसरे दिन या पहले दिन मैंने आपके पास रखा, तो मानस स्वयं गोसाई है और इंद्रियां 10 और 11वां मन। तुलसीदास जी ने जो 11वां मन जो इंद्रियों का मालिक माना जाता है उसी मन को केंद्र में रख करके मानस रची। अस मानस मानस चख चाही भाई कवि बुद्धि विमल, तो मन को केंद्र में रख करके ये कथा गाई, इसलिए वहां गो यानी मन और इसलिए मानस स्वयं गोसाई है, स्वयं गोसाई। गो का अर्थ पानी भी किया गया, जल जल तत्व, रामायण रस रूप है, एक रास रस नहीं, चाहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सभी। तो कितने कितने अर्थों में लेकर कुल मिलाकर मैं इतना कहकर मेरे वक्तव्यों को विराम देने की ओर आगे बढ़ूं कि रामचरितमानस स्वयं, मैं अपनी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, गोसाई है ये शास्त्र, स्वयं गोसाई है। मैंने जितने लक्षण गोसाई के बताए आपके साथ शेयर किए, तुम्हारे घर में रामचरितमानस पड़ा हो ना तो भरोसा रखना ये सभी गोसाई वाला लक्षण तुम्हारा रामचरितमानस लिए बैठा है, वो तुम्हारा रखेवाला करेगा, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। राम कथा क्या नहीं करते, अद्भुत शास्त्र। तो मानस स्वयं गोसाई है जिस मुद्दे पर हम कथा कह रहे थे, तो ये दो पंक्तियों के आधार पर से हमने कथा उठाई थी। आइए अब दोनों पंक्ति आपको याद हो चुकी है ऑलरेडी, यहाँ तो आपको दोनों ये पंक्ति एक बार गा करके हम उसको समर्पित कर दें नवमे दिन, तो एक बार सब साथ में गाइएगा प्लीज। करुणामय रघुनाथ गोसाई देही पाई वीर प्राण रघु साहब। कोई भी सत्कर्म हम करते हैं
छोटा हो कि बड़ा, ये तो 9 दिन का प्रेम यज्ञ, ये तो कोई शक्ति करा ले जाती है साहब, बाकी हम सब निमित्त बन जाते हैं। फिर भी कोई त्रुटि रह जाए, कोई कमी रह जाए, कोई किसी से चूक रह जाए, मेरे बोलने में, आपके सुनने में, किसी छोटे से छोटे व्यक्ति से, बुजुर्ग तक, किसी से, हमसे कोई त्रुटि रह गई हो, तो नियम है शास्त्री कि एक मंत्र 3 बार बोला जाए ताकि ये त्रुटि का निवारण हो जाए। तो आइए एक मंत्र हम बोले, उसके बाद आप बोलिएगा, फिर मैं बोलूँगा, फिर आप बोलिएगा, तीसरी बार फिर मैं बोलूँगा, आप फिर बोलिएगा, 3 बार हम सब बोले, और माइक्रोफोन लाउड स्पीकर से जहां तक सुनाई देती हो आवाज, सब इसी मंत्र का उच्चारण करें। हरये नमः, हरये नमः, हरये कि ये बोलने से सत्कर्म पूर्ण हो जाता है, बाकी हम जीव हैं, कहीं न कहीं त्रुटि तो रह जाती होगी। मैं एक बात आपको प्रश्न उठाऊं कि परशुराम जी राम के साथ बात कर रहे थे, तो साक्षात ब्रह्म के साथ बात हो रही थी ना, उस बात के बाद कई जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गए बन ही तप हेतु, वो तप करने गए, ईश्वर दर्शन के बाद कौन सा तप बाकी रह गया था? ये तो बड़ी असमंजस था, ईश्वर का दर्शन तो समस्त तप का फल है, और परशुराम को क्या रह गया? परशुराम जी ने बहुत तप किया था, उसके फल के रूप में राम के दर्शन भी हो गए, लेकिन क्रोध किया ना लक्ष्मण के सामने, इतने में वो सब फल था ना जल गया था, इसलिए नई साधना शुरू करने, फिर चार्ज होने के लिए, इसलिए त्रुटियां रह जाती हैं, आखिरी मौके पर त्रुटि आ जाती है। वो स्वयं कहते हैं क्षमा क्षमा अनुचित मैंने बहुत बोल दिया, स्वयं बोले, तो सत्कर्म में त्रुटि न रह जाए, इसलिए 3 बार मंत्र बोला गया। और अब ये 9 दिवसीय राम कथा मानस गोसाई एक परिपक्व फल के रूप में हम सब मिलकर के, आज राम नवमी का पावन दिन है, 12 बजने में अब चंद मिनटें बाकी हैं, हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी जहां जहां रहते होंगे, कोई टीला खाली नहीं होगा जहां 12 बजे शंख नहीं बजेगा, 12 बजे आरती न उतरी हो, 12 बजे मंदिरों में भय प्रकट कृपाला न गाया हो, पूरी कायनात आज झूम रही होगी राम ठाकुर के आगमन की पावन बेला में। इस बेला में किसी का जन्म होता है तो कुछ देना चाहिए ना, कुछ कुछ बधाई तो देनी चाहिए। गोस्वामी जी से हम कहे, बाबा तुम्हारा डायरेक्ट रिश्ता है, तो हम ये 9 दिवसीय कथा का फल बाबा आपको देते हैं, और आप ये फल रामनवमी के मौके में राजापुर की ओर से ठाकुर को जन्म की बधाई में दे दे देना। तो पहले हम और आप ये 9 दिवसीय राम कथा का परिपक्व फल, आइए हम सब मिलकर के कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में हम सब मिलकर के समर्पित करें। बाबा तेरा तुझको अर्पण, अब ये फल तू लेकर के राम को दे देना, और राम के पास जाएगा तो ये फल पूरे विश्व में बांट दिया जाएगा। राम के पास जो चीज जाती है वो पूरे विश्व में पहुंच जाती है। तो मैं इस 9 दिवसीय राम कथा मानस गोसाई आप सबको साथ में लेकर के पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। हे हुलसी नंदन, हे दुबे का बेटा आत्माराम दुबे का बेटा, हे सरयू प्राणी ब्राह्मण, ले ये हमारी कुछ पुष्प पाखड़ी तुम कबूल कर ले, तुलसी की कर्जे से विश्व कभी मुक्त नहीं हो पाएगा साहब, ऐसे तुलसी के चरणों में इस 9 दिवसीय कथा को प्रणाम देते हुए मैं आगे शब्द उच्चारूं। अच्युतं केशवं श्री राम नारायणं कृष्ण नाम
श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री राम। और मेरा पूरा सालों का भरोसा है, इसी भरोसे पर जी रहा हूँ कि पहले दिन हनुमान जी को हम सब बुलाते हैं कि बाबा कथा में आइए, किसी न किसी रूप में प्राण तत्व आ जाए और ये पूरा सत्कर्म परिपूर्ण करके फिर उसको विदा देनी होती है। तो अब हम सब मिलकर बाबा को विदा दें कि बाबा अब कुछ दिन के लिए आप भी विश्राम करें, फिर राजकोट में आ जाना। 14 तारीख से राजकोट में वो गुजराती में कथा होगी, टेलीकास्ट तो होगी लेकिन होगी गुजराती में, और उस कथा का सब्जेक्ट तो मैंने पहले से निश्चित, मानस हरिहर पर बोलना, रामायण में जो मानस हरिहर शब्द है उसको लेकर सभी को मिलाना है, सभी 18 वर्ण को एक रूप में समेटना है, इसलिए राजकोट। तो आज हम हनुमान जी को विदा दें क्योंकि कथा का प्रवाह ही एक परंपरा सा है, इसलिए हम हनुमान जी को विदा दें। कथा विसर्जन हो है सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियावर राम चंद्र की रघुवीर राम चंद्र की पवन सुत हनुमान। बोलो भाई सब संतन हरि पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो कथा को विराम दिया जा रहा है और मैं भी आपसे विदा मांगूंगा, लेकिन मेरे भाई बहन, मुझे वडील मुरब्बी श्री कह रहे थे कि बापू हम में से किसी को आपने पहले तो नहीं बोलने दिया धन्यवाद तो करें, मैं आपका ही हूं ना, मैं ही धन्यवाद कर दूं कि राजापुर के कण कण ने, राजापुर के जन जन ने मिल करके ये कथा तीसरी बार जो करवा ली है, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद साधुवाद साधुवाद। आशीर्वाद तो हम क्या दें, लेकिन हनुमान जी के चरणों में भरोसे के कारण मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि परमात्मा आप सबको खूब प्रसन्न रखे और आपको संपन्न भी रखे, हर तरीके से भगवान आपको संपन्न रखे। और प्रसन्न होना संपन्न होना एक उपलब्धि है, फिर भी एक तीसरी जरूरत रहती है, और भगवान सबको प्रपन्न रखे, प्रपन्न मानी सत्य प्रेम और करुणा के प्रति हमारा समर्पण हो। आप सबको प्रभु बहुत खुश रखे, ऐसी दुआ फरमाता हुआ मैं आपसे विदा लूं। और हम सब संसारी लोग हैं, समय और कई प्रकार की बाध्यता सबको घिरे रहती है, इसलिए समय की मर्यादा में सब पूरा करना होता है। मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ और मेरी खुद की पीड़ा भी समझ रहा हूँ, फिर भी एक पल है हंसना, एक पल है रोना,
कैसा ये जीवन का खेला, एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना, ये दुनिया है दो दिन का मेला, ये घड़ी न जाए भी तुझे मेरे गीत बुलाते। मेरी चौपाइयां आपके निमंत्रण में है, कहीं भी देश में विदेश में जहां भी मैं रहूं आप राजापुर के नाते आते रहिएगा, जरूर मुझे अच्छा लगे। आप सबने में किन किन का नाम लूं, सबने मिलकर इस प्रेम यज्ञ को पूरा करवाया है, मैं मेरे दिल की और छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों ने मेरी व्यासपीठ को इतना आदर और इतना उतना भाव दिया है कि मैं क्या कहूँ, मैं शब्द का आदमी हूँ साहब, बोलूँ तो घंटों क्या सालों से बोल रहा हूँ, युगों तक बोलता रहूँगा, लेकिन दिल की बात जब आती है तब क्या कहूँ साहब, आप मेरी दिल की जुबान को समझ लीजिएगा साहब। तो मेरे भाई बहन, परमात्मा मेरा राघव मेरा हनुमान गोस्वामी जी स्वयं आपके भाव को जमुना की धारा की तरह अविरत बहाता रहे, ऐसी मंगल भावना व्यक्त करते हुए मेरी घड़ी में अब मेरी घड़ी के मुताबिक जिस तरह मैं घड़ी सेट करता हूँ उस तरह मेरी घड़ी का एक फिक्स टाइम होता है, उसमें 12 बजने में अब केवल अब 10 सेकंड बाकी है साहब, और 12 बज चुके हैं, एक बार भाव से राम भगवान के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, और सब मिलकर के 2-3 पंक्तियां गा ले। भय प्रगट, भय प्रगट कृपाला अद्भुत रूप विचारी लोचन अधि रामा तन घन श्यामा इजरायुध भुज चारि भूषण वनमाला नयन निशारा सुवा सिंधु कहूँ दे कर जोड़ी अस्तुति तोरी के गिरि करुण माया बिन ज्ञाना तीर्थ अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब भुआगर सोरागी जनय अनुरागी भय भगत श्री कंता ब्रह्म ब्रह्मा दरिकाया निरल मिल माया रोम रोम प्रति देवे मामाउर सुभासी बहुत कही कथाकार सुनि वचन सुजाना रोगन बालक यह हरि हरि प्रधनु सुर संत
दिन हमनुज अवतार निज इच्छा निर्मित पुनः एक बार राजापुरी पीठ से राम जन्म की बधाई हो। और आखिर में एक दो मिनट हरे राम हरि बो हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 हरे राम नौ दिवसीय राम कथा मानस गोसाई यहाँ विराम ले रही है। अभी भुसुंडी रामायण का पाठ होगा और उसके बाद नौ दिवसीय राम कथा जब पूरी हो रही है तब रोज के नियम के अनुसार रामचरित मानस की भी आरती होगी और आज राम जन्म की रामनवमी की भी आरती साथ साथ होगी। तब तक भुसुंडी जी का रामायण का पाठ हो जाएगा, फिर दोनों आरती एक साथ होगी।
तो नौ दिवसीय राम कथा मानस गोसाई यहाँ विराम ले रही हैं। भाव से बोलिए राम चंद्र भगवान प्रिय हो बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो सदगुरु भगवान प्रिय हो ओ नमः पार्वती पतये हर हर राम कथा पावन आरती श्री राम।
किमस्य को बाहु बाहुरुपादाहुष्यते
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासि बाहुराजन्य कृता कुरु तदस्य यजनेश्च पदव्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्र साग्निश्च प्राणाद्वायुराजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शिष्णो ज्योत्समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिश श्रोता तथा लोकाः अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिदयस्त्रि सप्तसमित कृता देवा यद्यज्ञम् तन्वान अवदनन् पुरुषम् पशुम् यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि कर्माणि प्रथमानि